जय जिनेंद्र, आज हम बनाने जा रहे जैन मोमोज। तो उसके लिए एक गोभी, दो कैप्सिकम छोटे छोटे काट के ले लिए है। आप इसमें कॉर्न भी ऐड कर सकते हैं, और थोड़ा पनीर क्रम्बल करके लिया है, और चीज़ एक क्यूब चीज़, और थोड़ा हरा धनिया और चिली फ्लेक्स टेस्ट अनुसार, सॉल्ट, और मेयोनीज 1 बड़ा टेबलस्पून। और इन सबको अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे पकाना नहीं है, सिर्फ कच्चा ही इस तरह से मिक्स करके लेना है। ये देखिए मिक्स हो चुका है। अब हम ये मैदे का, इसमें थोड़ा सा 2 चम्मच तेल, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा ऐड किया था, और उससे आटा बांधा था। अब हम छोटा लोया लेके गोल रोटी बेलेंगे। एकदम पतली ना कड़ी, मीडियम थिक होनी चाहिए। अब इसमें हम 1 चम्मच भर के वो फिलिंग भरेंगे, और इस तरह से मोमोज को शेप देंगे। और ऊपर जो एक्स्ट्रा निकलेगा पार्ट, वो थोड़ा निकाल लेंगे। इस तरह से हम सारे मोमोज बनाएंगे। आप इसमें आपको चाहिए जितना चीज़ वगैरह भी ऐड कर सकते हैं ज़्यादा। इसका भी एक्स्ट्रा पोर्शन निकाल लेंगे। इस तरह से सभी मोमोज बना के ले लेंगे, और स्टीमर में हम स्टीम करने का रखेंगे। थाली को पहले से ऑयल ग्रीस कर लिया था, और इसमें सारे मोमोज रख दिए हैं। ये देखिए इस तरह से, और थोड़े छोटे छोटे ही रखे। इसे हम 15-20 मिनट के बाद, गैस बंद करने के 10 मिनट बाद निकालेंगे बाहर। अच्छे से स्टीम हो चुके हैं। इसे अब हम जैन शेजवान सॉस के साथ गरम गरम सर्व करेंगे। खाने में एकदम ये टेस्टी, यम्मी, और बच्चों को बहुत पसंद आएंगे।